2022 झारखंड में पंचायत चुनाव को लेकर रवि कुमार के साथ पंचायत यात्रा। नमस्कार, मैं हूं रवि कुमार और आप देख रहे हैं मामबी न्यूज। आगामी 14 मई को होने वाले पहले चरण के पंचायत चुनाव के नामांकन प्रक्रिया संपन्न होते ही अब प्रत्याशियों ने पूरी ताकत डोर टू डोर जनसंपर्क अभियान चलाने में झोंक दी है। उम्मीदवार और उनके समर्थक अब मतदाताओं से मिलकर अपना वोट सुनिश्चित करने की कोशिश में जुट गए हैं। इसी क्रम में चतरा सदर प्रखंड के दारी आतू पंचायत से मुखिया पद पर भाग आजमा रही निराला देवी ने समर्थकों ने कामत के सरोना व आसानी टोला ने जनसंपर्क अभियान चलाया। इस दौरान प्रत्याशी के पति प्रदीप कुमार सिंह ने कहा कि इस बार मतदाताओं ने बदलाव का मन बना लिया है, पूरी पंचायत क्षेत्र में उनके समर्थन में बदलाव की लहर चल रही है। उन्होंने कहा कि लोग दारी आतू के विकास के लिए हर तबके के हर समाज के लोग राजनीतिक भावना से ऊपर उठकर आत्मीय लगाव के साथ विकास के नाम पर उनका समर्थन कर रहे हैं। इसका नतीजा इस पंचायत क्षेत्र के सभी गांवों में उन्हें जोरदार समर्थन मिल रहा है। लोगों का विकास की उम्मीद है। जन कल्याण योजनाओं को जनता तक सही तरीके से पहुँचाने के लिए समाजसेवी निराला देवी संघर्ष करती रही है, जिसके बाद अब आम लोगों का सम्मानित मतदाताओं आशीर्वाद से ही चुनावी मैदान में आई है। उन्होंने कहा कि पंचायत को भ्रष्टाचार मुक्त करना है, विकास की गति तेज करना है। उनकी प्राथमिकता सड़क, स्वच्छता, आवास, गरीबों के पेंशन और हमारी सरकारी सुविधाओं को हम तक पहुंचाना है। वे दारियातू के लोगों के सुख दुख में हमेशा साथ रहें। अगर आप सभी को हमारी खबरें पसंद आती हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, धन्यवाद। महिला होकर के इसलिए चुनाव मैदान में आया कि 5 साल पहले कुछ विकास नहीं हुआ और उसके बाद हम सोच के आए हैं और सभी को, सभी बड़े छोटे बुजुर्गों लोग को आशीर्वाद है। महिलाओं से अपील करते हैं कि मेरे साथ कदम में कदम मिला के चलें, या को मेरे तरह बाहर निकलना चाहिए और विकास के लिए सोचना चाहिए। पंचायत वासियों से उम्मीद है सहयोग मिले कि हम धार्मिक से चीज़ें बने और पूर्ण विकास करें।